रहेगा। अभी आपने अहमद पटेल का जिक्र किया, हाउ यू रेट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉज ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द डिकेड्स? देखिए, अहमद पटेल जी का कोई मुकाबला नहीं है, अहमद भाई का कोई मुकाबला नहीं है, और कांग्रेस में ट्रबल शूटर अगर कोई नंबर वन एस ट्रबल शूटर है तो अहमद भाई हैं। और हम सब लोगों का यंगस्टर्स को भी आगे बढ़ाने का, सलाह देने का, आप जब भी उनके पास मिलने जाएं तो आपको कोई ना कोई सलाह उनसे ज़रूर मिलेगी, और आपको शुरू में बेशक कड़वी लगे लेकिन आप बाद में आकर के सोचोगे कि नहीं, ये जो है इन्होंने ठीक सलाह दी है। क्योंकि अहमद पटेल जी के पास सब लोग जा कर के बोलते हैं, हमारे विरोधी भी जा कर के अपनी बात रखते होंगे, तो उनको उनकी जो सलाह होती है और उनका जो विजडम है और जो एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, वो अनपैरेलल्ड है। तो ये जो रिसेंट क्राइसिस था राजस्थान का, इसको सॉर्ट आउट करने में उनकी भी भूमिका है। अहमद पटेल जी इज अ ट्रबल शूटर, नंबर वन ट्रबल शूटर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये रही, देखिए अगर रीसेंट इसकी बात करें, अव्वल तो मैं इसको कोई क्राइसिस नहीं समझता, ये घर के परिवार के अंदर जब सदस्य होते तो आपस में मनमुटाव होता ही है। लेकिन सबसे बड़ी इसके अंदर अगर मैं रिजल्ट को देखें तो सबसे बड़ी हार तो भारतीय जनता पार्टी की हुई है। वो चले थे हमारे कुनबे को तोड़ने और उनका अपना कुनबा टूट गया, तो हमारे तो जो है वो सबके सब और मजबूती से सब साथ खड़े हुए हैं। जो थोड़ी बहुत फॉल्ट लाइंस थी वो भी ऑलमोस्ट दूर हो गई, तो अब तो बीजेपी जो है हमारी तरफ हमला करने के, हमारे को तोड़ने चले थे, तो उनके अपने खुद के जो टूटन हो गई है, उनकी अपनी फॉल्ट लाइन जो नजर आ रही है, अब तो अपने आप